गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम लोग कम्युनिकेट विद कैम्ब्रिज जो क्लास थ्री है उसका आज फर्स्ट चैप्टर माफ़ कीजिएगा सेकेंड चैप्टर द फॉर्चुनेट पेडलर उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। द फॉर्चुनेट पेडलर मीन्स होता है एक सौभाग्यशाली मीन्स लकी हॉकर, हॉकर जो होता है मीन्स फेरी वाला जो है वो कैसे सौभाग्यशाली बना उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज ए पॉपुलर इंग्लिश फोक टेक, इट टेल्स अस अबाउट ए पेडलर हु बिलीव्स इन हिज ड्रीम। यह जो एक लोक कथा है यह मुझे एक हॉकर के बारे में बताता है जो अपने सपनों पे विश्वास भरोसा करता था, ठीक है। स्टार्ट करें लेसन आज का, चलिए ठीक। हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो देयर लिव्ड ए पेडलर इन ए प्लेस कॉल्ड नॉर्थ फोल्क इन इंग्लैंड। 100 साल पहली और पुरानी बात है एक पेडलर एक हॉकर एक फेरी वाला एक इंग्लैंड के एक प्लेस जिसका नाम है नॉर्थ फोल्क में रहता था। ही वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सेलिंग थिंग्स, वह एक स्थान से दूसरी जगह जाया करता था अपनी सामान को बेचने के लिए। वन डे द पेडलर टोल्ड हिज वाइफ लास्ट नाइट आई हैड ए ड्रीम। एक दिन जो हॉकर था पेडलर था अपनी वाइफ को कहा कि मुझे रात में जो कल रात बीती हुई रात को एक सपना आया था। इट इज़ स्ट्रेंज डैट आई हैव बीन हैविंग द सेम ड्रीम फॉर द पास्ट वीक। क्या बोल रहा है हॉकर जो क्या बोल रहा है अपनी पत्नी को बोल रहा है कि इट इज़ स्ट्रेंज डैट आई हैव बीन हैविंग द सेम ड्रीम फॉर द पास्ट वीक। मुझे कई हफ्तों से एक अजीब सा सपना मुझे बार बार आ रहा है। वाट डिड यू ड्रीम ऑफ आस्क हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने पूछा क्या सपना देख रहे हो आप जरा मुझे भी बताएंगे। तो चलिए पेडलर क्या सपना देखता है हम आगे हम लोग पढ़ते हैं। द पेडलर टोल्ड हर डैट ही हैड हर्ड ए वॉइस इन हिज ड्रीम। एक जो हॉकर था जो पेडलर था वो अपनी पत्नी को कहता है कि मैं सपने में एक आवाज़ रोज सुन रहा हूँ। एवरी टाइम द वॉइस रिपीटेड इफ़ यू स्टैंड ऑन द लंदन ब्रिज यू विल हियर गुड न्यूज। और जो आवाज़ है बार बार मुझे रिपीट करता है वो बार बार दोहराता है कि अगर आप एक लंदन ब्रिज पे अगर वहाँ पे जाके खड़े हो गए तो आपको एक गुड न्यूज सुनने को मिलेगा एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगा। एट फर्स्ट द पेडलर डिड नॉट बॉदर टू गो टू द लंदन। पहली बार तो पेडलर जो था फेरी वाला था वहाँ पे जाना परेशानी की बात समझा क्योंकि वो सोचता था कि जो सपना आया है वो बेकार के ही सपना होगा इसलिए वहाँ पे बॉदर समझना मिस बॉदर मिस होता है परेशान समझता तो वो टेंशन समझता था कि वहाँ पे जाना तो मेरे लिए बेकार ही होगा। इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर हिम, क्यों बेकार होगा क्योंकि उसके लिए वहाँ पर जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला था बहुत ही परेशानी वाला होने वाला था कठिन होने वाला था। ही वुड हैव टू वॉक ए लॉन्ग वे टू रीच देयर, वहाँ पे उसको पहुँचने के लिए जो हॉकर था पेडलर था वहाँ पे पहुँचने के लिए उसको बहुत ही लंबा चलना पड़ता। ही वुड हैव टू स्लीप अंडर ट्रीज अलोंग द वे, और उस लंदन जाने के सफ़र में उसे बार बार कभी कभी एक ट्री के नीचे भी सोना पड़ता। बट द ड्रीम परसिस्टेड द पेडलर ऑफ गॉट अपसेट, जो ड्रीम था परसिस्टेड कर रहा है परसिस्टेड मीन्स कायम रह रहा है मीन्स बार बार उसी को रिपीट कर रहा है दोहरा रहा है इस कारण जो पेडलर था क्या हो रहा था अपसेट हो रहा था। अपसेट मीन्स हाँ अपसेट मीन्स वो थोड़ा सा उदास हो जा रहा था सही बात बोले आप लोग भी क्या हो जा रहा था उदास हो जा रहा था। ही कॉल्ड आउट टू हिज वाइफ, वो अपने वाइफ को बताया आई मस्ट गो टू द लंदन एंड स्टैंड ऑन द ब्रिज अदरवाइज आई विल हैव नो पीस, मुझे लंदन जाना ही होगा अगर मैं लंदन ब्रिज पे जाके वहाँ पे खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी। द पेडलर पैक्ड ए फ्यू थिंग्स फूड एंड सम मनी ही वॉक्ड ऑल द वे एंड रीच द लंदन ब्रिज। द पेडलर पैक्ड ए फ्यू थिंग्स, जो पेडलर था जो हॉकर था कुछ सामान खाना और कुछ मनी जो पैसों है
पैक करके ही वॉक्ड ऑल द वे एंड रीच द लंदन ब्रिज। और सारी सफ़र तय करने के बाद वो लंदन ब्रिज पे जा पहुंचा था। वो लंदन ब्रिज क्यों पहुंचा था दोस्तों? क्योंकि वो उसे सपना बार बार आ रहा था कि अगर आप लंदन ब्रिज पे जा कर के वहाँ पे खड़ा होगा तो उसे एक गुड न्यूज मिलेगा। इसीलिए वो अपनी पत्नी को बोला था कि मुझे लंदन तो जाना ही होगा। इसीलिए जो हॉकर था, जो पेडलर था, वो अपना सामान, कुछ खाना और कुछ मनी अपने पीठ पे पैक करके लंदन ब्रिज पे पहुंच गया। द लंदन ब्रिज वाज वेरी बिजी प्लेस। जो लंदन ब्रिज था बहुत ही व्यस्त जगह था। देयर वेयर हाउसेज एंड शॉप्स ऑन आइदर साइड। वहाँ पे लंदन ब्रिज के पास क्या था, दोनों साइड, इधर भी और उधर भी, दोनों साइड में घरे थे और शॉप्स थे, दुकान थे। एवरी डे द पेडलर स्टूड ऑन द ब्रिज बट नो वन स्पोक टू हिम और गेव हिम गुड न्यूज। प्रतिरोज जो हॉकर था लंदन ब्रिज पे खड़ा होता था, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे ना बात करता था और ना ही उसको कोई भी गुड न्यूज देता था। ही फेल्ट लाइक ए फूल फॉर हैविंग गॉन देयर, स्टिल ही वेटेड फॉर विथ होप। वह अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा था, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था कि वो वहाँ पे बिना सोचे समझे लंदन को चला गया, लेकिन वो वहाँ पे अपनी इसी आशा पे, भरोसा पे वहाँ पर भी कुछ देर और रहा। स्टिल ही वेटेड विथ होप, वो वहाँ पे आशा से कुछ देर के लिए वहाँ पे फिर से रुका रहा। वन डे ही हैड नो फूड और मनी लेफ्ट। क्या हुआ कि कुछ समय जब वो बहुत दिन वहाँ पे गुजार लिया तो उसका स्वाभाविक की बात है कि उसका खाना ख़त्म हो जाएगा और पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रहा था, जो पेडलर था वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा था, तो स्वाभाविक बात है कि उसको मनी की ज़रूरत पड़ेगी और खाना तो ख़त्म हो ही गया था। सो जो पेडलर, ही डिसाइडेड टू रिटर्न होम। इसीलिए पेडलर क्या सोचा कि अब मुझे घर को वापस चल जाना चाहिए, अपना फैसला ले लिया कि मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। जस्ट देन ए शॉप कीपर केम आउट ऑफ हिज शॉप। तभी जैसे ही जो पेडलर था अपना फैसला लिया कि मुझे घर वापस जाना चाहिए, तभी एक दुकान से एक शॉप कीपर जो दुकानदार था वापस आया और कहा, किससे कहा, पेडलर से कहा, प्लीज टेल मी समथिंग, आप एक बात मुझे बताएंगे? तो पेडलर ने कहा, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। द शॉप कीपर इंक्वायर्ड, शॉप कीपर ने इंक्वायरी लिया, क्या इंक्वायरी लिया, पूछते हैं, आई हैव सीन यू प्लीज़ टेल मी समथिंग, द शॉप कीपर इंक्वायर, आप मुझे कुछ बताएंगे? ये शॉप कीपर ने उनसे, पेडलर से इंक्वायरी किया, मीन्स पूछताछ किया। आई हैव सीन यू हेयर फॉर सो मैनी डेज, यू डू नॉट बाई और सेल एनी थिंग। मैं आपको यहाँ पे बहुत दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन आप कुछ ना यहाँ पे खरीदते हैं, न कोई चीज़ आप यहाँ पे बेचते हैं। वाई यू डू स्टैंड हेयर, आप यहाँ पे क्यों खड़े रहते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पे बहुत दिनों से रोज़ आते हैं, खड़ा होते हैं, न कुछ आप खरीदते हैं, न कुछ भी बेचते हैं, क्यों आप यहाँ पे खड़े रहते हैं? द पेडलर टोल्ड हिम अबाउट हिज ड्रीम, जो हॉकर था अपने जो ड्रीम आया था उसके बारे में बताता है। द मैन स्टार्टेड लाफिंग, जो मैन था वो शॉपकीपर था वो हंसने लगा, क्यों हंसने लगा, क्योंकि उसे वो बेवकूफ समझने लगा, क्योंकि कोई भी ड्रीम कम ट्रू होता है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्या कभी भी किसी का ड्रीम जो होता है सपना ट्रू होता है? तो चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। नेवर बिलीव इन ड्रीम्स ही सेड, जो शॉपकीपर था बोल रहा है कि कभी भी सपनों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आई टू कीप हैविंग ए ड्रीम, मुझे बार बार एक ही सपना आ रहा था। द वॉइस इन द ड्रीम इंसिस्ट डैट आई मस्ट गो टू द प्लेस कॉल्ड नॉरफोल्क, मुझे एक सपना बार बार आ रहा था और इंसिस्ट कर रहा था कि वहाँ पे एक जगह है कॉल्ड नॉरफोल्क, वहाँ पे जाओ, आई मस्ट फाइंड ए पेडलर हाउस देयर, वहाँ पे जाने के बाद, नॉरफोल्क जाने के बाद आपको वहाँ पे एक पेडलर का घर मिलेगा। इफ़ आई डिग अंडर द ओक ट्री इन हिज गार्डन, और पेडलर के घर के गार्डन में ओक ट्री है, अगर उसको हम डिग करेंगे, डिग मीन्स होता है खुदाई करेंगे, ज़मीन को गड्ढे खोदेंगे, आई विल फाइंड ट्रीजॉ, क्या फाइंड करेंगे, खजाना पाएंगे,
पाएंगे। जो वो शॉपकीपर था उसको एक सपना बार बार आता था, वो बता रहा है कि सपने पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे भी एक सपना बार बार आ रहा है, एक सपना बार बार आ रहा है कि आप एक नॉर्थ पोल की जगह है वहाँ पे जाएंगे तो एक पेडलर का घर मिलेगा और वहाँ पे एक ओक ट्री है उसके गार्डन में, उसके गार्डन को ओक ट्री के नीचे जब आप गड्ढे खोदेंगे तो वहाँ पे एक ट्रेजर फाइंड होगा, मीन्स खजाना वहाँ पे मिलेगा। इट इज ऑल नॉनसेंस, यह सब कुछ बेवकूफ़ी है। इवन इफ आई मेक द लॉन्ग जर्नी टू नॉर्थ पोल, अगर मैं वहाँ पे नॉर्थ पोल जाता भी हूँ, आई एम श्योर आई विल नॉट फाइंड एनी थिंग देयर, अगर मैं नॉर्थ पोल वहाँ पे ट्रैवल करने के बाद जाता भी हूँ तो मैं श्योर हूँ, मैं सुनिश्चित करता हूँ कि वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। आई मेक श्योर आई विल नॉट फाइंड एनी थिंग देयर, वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। सो फॉरगेट द ड्रीम एंड गो होम, इसीलिए आप क्या करो, सपने को भूल जाओ और कहाँ चले जाओ, घर चले जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, चलिए आगे चलें। ठीक है, ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने के बाद द पेडलर हरीड होम टू नॉर्थ पोल, वह तेजी तेजी अपने घर की तरफ चल दिया। ही वेंट टू हिज गार्डन, देन ही बेग्ड बिगेन डिगिंग अंडर द ओक ट्री, क्या कर दिया, वो अपने गार्डन पे पहुंचा और ओक ट्री के नीचे गड्ढे खोदना स्टार्ट कर दिया। ही सून फाउंड ए चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड क्वाइन, और वहाँ पे उसने क्या पाया, चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड क्वाइन, बहुत ही बड़ा मतलब कि बहुत ही बड़ा बक्सा जो सोने के सिक्के से भरा हुआ था। ही वॉज नो लॉन्गर पुअर, अब वो गरीब नहीं रह गया था। ही लाइव्ड हैप्पीली फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और वह उस ट्रेजर को पाने के बाद, खजाना पाने के बाद, सोने के सिक्के पाने के बाद, वो अपना सारा जीवन खुशी से सुख के साथ व्यतीत किया। इट इज सेड दैट ही हैड ए स्टैचू मेड ऑफ हिमसेल्फ विथ हिज पैक ऑन हिज बैक, इट इज सेड दैट ही हैड ए स्टैचू मेड ऑफ हिमसेल्फ विथ हिज पैक ऑन हिज बैक, ऐसा कहा जाता है कि जो पेडलर था वो अपना स्टैचू बनवाया था और वो अपने पीठ पे, मीन्स पैक ऑफ हिज बैग, मीन्स अपने पीठ पे वो सारा सामान, जो सामान आप वो लंदन जाते समय रखा था, जैसे वो कुछ पैसा रखा था, कुछ सामान रखा था और कुछ खाने की चीज़ रखा था, उसको बनवाया था। द स्टैचू शोड हिम वॉकिंग टूअर्ड द लंदन ब्रिज, वो स्टैचू क्या शो कर रहा है, क्या दिखा रहा है, कि वो लंदन की तरफ जा रहा है। द प्लेस वेयर ही हैड हर्ड द गुड न्यूज, वो ऐसा जगह जा रहा है जहाँ पर वो गुड न्यूज उसे सुनाई दिया था। ठीक है, समझ में आ गया, तो स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग को मैं होप करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। आगे इसका लेसन है, मैं अगले वीडियो में इस सबको समझा दूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं कम्युनिकेट विथ कैम्ब्रिज क्लास 3 का सेकेंड चैप्टर, क्या पढ़े हैं, द पेडलर, फॉर्चुनेट पेडलर, फॉर्चुनेट मिस होता है भाग्यशाली, पेडलर मिस होता है हॉकर, हॉकर मिस आप सब लोग समझते हैं, नहीं तो चलिए मैं बता दूं। आप लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति जो साइकिल पे या अपने मोटरसाइकिल पे कुछ सामान है, जैसे आप लोग देखेंगे कि हर एक माल होता है या कुछ दो बिस्किट का होता है, चाय का होता है और कोई कोई चीज़, वो छोटे मोटे सामान लेकर के एक दुकान से दूसरे दुकान पे वो जाता है और उसको सामान को बेचता है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, पेडलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेडलर बोलते हैं, हॉकर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गया होगा, ये लेसन है, ये एक्सरसाइज है, मैं अगले वीडियो में इसको डिटेल से बता दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एकेडमी जंक्शन स्कूल। बाय बाय, टेक केयर।